हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे आज के इस मेडिसिन रिव्यू सीरीज में मैं बात करने वाला हूँ एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। हालांकि इसके जो सॉल्ट कंपोजिशन है इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हर एक ब्रांड के पीछे हम उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं ताकि जो कोई भी व्यक्ति इस ब्रांड नेम को सर्च करे उसके पास जानकारी अप्रोप्रिएट आ सके। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, क्योंकि ऐसे मेडिसिन शेड्यूल एच कैटेगरी के होते हैं जिनमें लाल पट्टी होती है, शेड्यूल एच लिखा हुआ होता है, उसको केवल आप मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन से ही ले सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा सब्सटेंस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वह है एम्लोकाइन। ये ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेटली इट्स अ ब्रांड नेम दैट इज गिवन बाय आपके मैनकाइंड ड्रग के द्वारा। तो इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट दो हैं। इसका जो पूरा नाम इसलिए लिखा गया है एम्लोकाइन एटी। तो एम्लोकाइन एटी में दो सब्सटेंस, मतलब पहला है आपका एम्लोडिपिन और दूसरा है आपका एटेनोलॉल। एम्लोडिपिन की जो क्वांटिटी है वह है आपका 5 mg और एटेनोलॉल का जो क्वांटिटी है आपका वह है 50 mg और इसमें एक्सिपेन को ऐड किया गया है। तो दोनों के इंडिकेशन क्या है, दोनों को क्यों दिया जाता है, एक साथ बोलो जाए तो ये एम्लोकाइन 80 को क्यों दिया जाता है। हमारे शरीर में खून एक महत्वपूर्ण घटक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये ब्लड आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है, बिकॉज इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अब इस कनेक्शन का मतलब क्या है? इस ब्लड में, जैसे हम गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, कार में फ्यूल यूज करते हैं पेट्रोल डीजल को, वैसे ये हमारी बॉडी को फ्यूल लेके जाने का काम करता है। ऐसा मैं अगर कहूं तो गलत नहीं है। ये अपने साथ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ड्रग्स अगर आप कोई खाते हो, दवाइयां खाते हो तो उनको लेकर के जाता है। लेकिन इमेजिन करिए कि अगर आप अपने घर के नीचे वाले फ्लोर से टॉप फ्लोर पर पानी पहुंचाना चाहते हैं तो क्या वो बिना पंप की सहायता से, क्या बिना अप्रोप्रिएट प्रेशर की सहायता से हो सकता है? शायद क्या नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उल्टा अगर छत के ऊपर से पानी नीचे तक पहुंचाना है तो बिना किसी पंप के वो आसानी से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसकी मदद से आ जाएगा। तो नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए हमको एक मिनिमम स्पेसिफिक प्रेशर की जरूरत पड़ती है। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपके उस नल में बांधे गए पाइप छूट जाते हैं और अगर प्रेशर कम हो गया तो ऊपर तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। वैसे ही हमारी बॉडी में जो फ्लो हो रहे हैं ब्लड का, एक प्रॉपर और ऑप्टिमम प्रेशर में मूव करना बहुत जरूरी है। इसे हम सरल भाषा में ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर इज नॉट अ प्रॉब्लम, इलिवेशन या उसका रिडक्शन यानी कि हाइपर और हाइपो, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या ब्लड प्रेशर का घटना, ये प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर इज अ जेन्युइन नॉर्मल टर्म। सो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? वह प्रेशर जिस पे ब्लड फ्लो करती है या वह प्रेशर जो ब्लड आपके एट्रियल वॉल, दीवार यानी कि नलियों, खून की नलियों पे पहुंचाती है, लगाती है, ये हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है। कई ऐसे कारण होते हैं जिसमें आपका डाइट, आपकी स्ट्रेस, आपकी किडनी की सिचुएशन, कई बार ऐसा भी होते हैं कुछ स्पेसिफिक ड्रग की वजह से, या तो आपके बॉडी में प्लैक यानी कि जो खून होती है उसमें थक्का, या फिर आपके ब्लड वेसल में फैट जमा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाने की वजह से आपके ब्लड के प्रेशर में एलिवेशन होने लगता है। तो इसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, यानी कि 120/80 mmHg। इस नॉर्मल प्रेशर से ऊपर अगर जाने लगे तो वह ब्लड प्रेशर कहलाता है। बट एक दिन, दो दिन टेंशन की वजह से, सीढ़ी ऊपर चढ़ने की वजह से अगर होगा तो यह ब्लड प्रेशर नहीं है। हालांकि है, बट डिजीज की कंडीशन में, डिसऑर्डर कंडीशन में नहीं इंक्लूड किया जाता। परसिस्टेंटली, लगातार काफी दिनों तक सेम ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नजर आ जाए तो फिर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो सकते हैं। और उसमें भी अलग अलग स्टेज होते हैं, उसके हिसाब से आपके ड्रग का ट्रीटमेंट चलेगा। उस बढ़े हुए ब्लड के प्रेशर को कम करने के लिए अलग अलग दवाइयां दी जाती हैं। कई अलग दवाइयों के बारे में हमने बात भी किया है, तो उनमें से दो दवाइयां मेन हैं। आज के जो ट्रेबलेट है उसमें भी है ये चीज रखी है, यह है एम्लोडिपिन और उसके साथ है एटेनोलॉल। ये जो एम्लोडिपिन है ये एक एग्जांपल है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। ये आप शायद ना समझ पाए अगर नॉन फार्मेसी या नॉन मेडिकल स्टूडेंट होंगे तो। एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होने की वजह से आपके ब्लड वेसल की जो कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको वापस से डायलेट करने का काम करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर पाइप का डायमीटर छोटा हो जाए, आप आगे उंगली लगा दो, दबा दो, तो पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो ब्लड का भी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा अगर उसके वेसल सकरे हो जाएंगे, तो उसको हमको वापस से ठीक करना रहेगा। और ये हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर के जो ड्रग है एम्लोडिपिन है वो करता है। दूसरा इसमें यूज किया गया है एटेनोलॉल। जो एटेनोलॉल है वो आपकी बीटा ब्लॉकर ड्रग का एग्जांपल है। बीटा ब्लॉकर ऐसे ड्रग होते हैं जो बीटा रिसेप्टर पे, रिस्पेक्टिवली बीटा 1 रिसेप्टर पे, उनके बाइंडिंग होने की एबिलिटी को इनहिबिट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द केस मैं ये कहूं कि ये हमारे एड्रेनलिन के बाइंड होने को रोकते हैं, सिंपैथेटिक नर्व इंपल्स, सिंपैथेटिक नर्व इनर्वेशन, इनको बाइंड होने से रोकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब कोई भी मुसीबत में होते हैं, जब हमारी बॉडी में कोई टेंशन लग रहा है, वो बॉडी अपना प्रेशर को रेजिस्ट करती है ताकि आप टेंशन दूर कर सको, तो वहां पे सिंपैथेटिक नर्व इनर्वेशन काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये दो तरीके हैं
जिनकी वजह से आपके बीपी बढ़ सकते हैं। केवल दो ही तरीके हैं ऐसा नहीं है, केवल दो ही ड्रग हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसी ड्रग के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये दो ड्रग ऐसे हैं जो अपने अपने तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। सो इंडिविजुअली दोनों ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, पर हमने यहां पर दोनों को मिला दिया तो ये इन दो तरीकों से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि सिंगल ड्रग देना है, कि कॉम्बिनेशन देना है, कौन सा कॉम्बिनेशन देना है, एक का कॉम्बिनेशन का स्ट्रेंथ कितना होगा, दोनों में से दूसरे का कॉम्बिनेशन कितना होगा, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसलिए कभी भी कोई भी दवाई किसी दूसरे को लेता हुआ देख करके आप ना ले, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है, कारण अलग हो सकता है और आपका बिल्कुल अलग हो सकता है। सो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। अल्टीमेटली रिजल्ट तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जैसा होना चाहिए था, जिस प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम बढ़ी थी उसको ठीक करना था, वो नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि बाद में कुछ नई प्रॉब्लम डेवलप होने लगे। इसलिए कभी भी ऐसे दवाइयां जिनके पीछे शेड्यूल एच लिखा रहता है अनावश्यक रूप से अपनी सेल्फ मेडिकेशन के फॉर्म में ना लिया करें। तो ये हो गया उसका कुछ बेसिक प्राइस, इसके बेसिक जानकारियां, प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 40 रुपए का टेबलेट है और ये डेफिनेटली आपके मैनकाइंड फार्मा के द्वारा बनाया गया है। बाकी चीजें जो चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं हाइपरटेंशन अलग अलग ड्रग के अलग अलग तरीके से काम करने के तरीके को, तो हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे आप आकर सर्च कर सकते हैं। कोई भी चीज सर्च करिए, लास्ट में सॉल्यूशन फार्मेसी ऐड जरूर कर दीजिएगा ताकि एग्जैक्टली आपको रिजल्ट मिल सके। थैंक यू, टेक केयर।